ओके, जो भी इस वीडियो स्ट्रीम को देख रहा है उसको हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खैर, ये वीडियो बेसिकली एक चीज़ बताने के लिए बनाई जा रही है। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा उल्टी सीधे चीज़ें बोल रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हुआ ये कि हम लोग लाइव स्ट्रीम करने से बैन हो गए यूट्यूब पर। क्यों बैन हुआ ये भी बताता हूँ, और कितने टाइम तक बैन है ये भी बता रहा हूँ। बैन जो है टेम्प्रेरी तौर पे बैन हुआ है, क्या कहते हैं, एक पता नहीं उस चीज़ का नाम भी ले सकता हूँ या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा एहतियात कर रहा हूँ। हुआ ये कि ऑब्वियसली स्ट्राइक मिली है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। मैंने कोशिश, ऑब्वियसली मैं इन चीज़ों में एहतियात बहुत करता हूँ जब भी होते हैं, जब भी चीज़ें होती हैं, स्पेशली म्यूज़िक पे। म्यूज़िक में कभी भी वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करता जो मेरे राइट में है नहीं, तो मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा बचा कर रखा था अपने चैनल को। तो चलो, म्यूज़िक ये जो मुझे स्ट्राइक मिली ये म्यूज़िक से मिली नहीं मुझे, ये मुझे एक फिल्म, क्या कहते हैं, हमने, चलो मैं शुरू से बता दूँ। एक्चुअली हुआ क्या, आज से 2 महीने पहले हमने एक स्ट्रीम की थी जिसपे हम एक फ़िल्म के बारे में बात कर रहे थे। उस फिल्म का नाम मैं अब लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि पहले ही मेरा चैनल तबाह हो गया है, मैं वापस से नहीं लेना चाहता। बस एक मशहूर फिल्म थी जो अभी भी आई है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे 2 महीने पहले। अब 2 महीने पहले जो भी बातचीत हुई थी, तो मैंने उस फिल्म का पिक्चर और उस फिल्म का नाम इस्तेमाल कर लिया था अपने टाइटल पे, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसका असर इस तरह से होगा मेरे पास, मेरे चैनल पे। खैर, उस वक्त तो किसी ने कुछ किया नहीं, ना किसी ने कुछ बोला, क्योंकि हम लोग सिर्फ बातचीत कर रहे थे उस फिल्म के बारे में उस स्ट्रीम पर, क्योंकि एक हंसी मजाक जो माहौल होता उस वक्त उस लिहाज से कर रहे थे। कोई हमने इसको बुरा बुरा नहीं बोला किसी चीज़ के लिए, लाइक ये चैनल बनाया ही नहीं, ये चैनल मैंने बनाया ही नहीं था इस तरह के लिए कि किसी को कोई तकलीफ़ हो, किसी को कोई चीज़ हो। बस ये बनाया इसलिए था ताकि मैं अपनी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, गेमिंग होती है, मॉन्टेजेस होते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा शेयर कर सकूँ। बट किसी को बुरा लग गया एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी सच में, क्योंकि ये चैनल के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। लाइक तकरीबन दिसंबर 2018 से मैंने शुरुआत की थी लाइव स्ट्रीमिंग करना, जो कि मैं एक दिन भी नहीं छोड़ता, सिर्फ स्पेशल रीज़न के लिए, जब कभी काम आ जाए या फिर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो मैं स्ट्रीमिंग छोड़ देता हूँ। लेकिन अब चल रहा है अराउंड जुलाई, और मेरे ख्याल से अब स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे नहीं होगी लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि मुझ पर अब ये कर दिया गया है कि मुझे शर्त ये है कि 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने, तभी मैं वापस से यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग कर सकूँगा, वरना मैं यूट्यूब पे वापस से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकता। बेसिकली इन लोगों ने रूल चेंज किया हुआ है, लेकिन ये रूल उन पे भी इम्प्लीमेंट करता है जिन लोगों ने कॉपीराइट स्ट्राइक्स, जिनको अभी भी रिसेंटली मिली हैं, कम्युनिटी स्ट्राइक से मिली हैं या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक से मिली है, जिससे भी स्ट्राइक से, कोई भी स्ट्राइक। तो मुझे कम्युनिटी स्ट्राइक भी मिल गई है, तो उस स्ट्राइक पर ही वजह से मैं अब न्यू रूल पे मुझे लाया जाएगा, जहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे, तभी मैं वापस से स्ट्रीमिंग कर सकूँगा अपने PS4 से, वरना नहीं कर सकता। एंड या हम लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं रहेंगे यूट्यूब पे रहेंगे, लेकिन बस ये कि वीडियोस की हद तक रहेंगे, वीडियो से ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये बैन कब हटेगा, ऑब्वियसली 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद ही हटेगा। ये क्यों लगा था ये मैंने बताया, उस एक वीडियो एक स्ट्रीम की थी हमने, फिल्म का नाम इस्तेमाल किया था, वो फिल्म का नाम किसी एक कंपनी ने सारे प्रूफ्स दिए कि इस बंदे ने जो है बिना किसी राइट के यूज़ किया, ऑब्वियसली वो मैं ही था, लेकिन मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, सीरियसली मुझे माफ़ कर दो भाई जो भी देख रहा है। मेरा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था किसी को भी तकलीफ़ देने का, मैं ये चीज़ करता ही नहीं हूँ किसी भी लोगों को तकलीफ़ देने के लिए, मैं तो उल्टा इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ किसी को हेल्प आउट करने के लिए, जो भी चीज़ है, मैंने कभी ये चीज़ करता ही नहीं हूँ कि हाँ भाई किसी को भी लाइक, ये मेरा इंटेंशन नहीं होता किसी को भी नुकसान पहुँचाना किसी भी चीज़ को, लेकिन किसी को लग गया है, किसी को बुरा लग रहा है कि उसकी चीज़ मैंने यूज़ किया है, वेरी वेरी सॉरी। वो स्ट्रीम डिलीट हो चुकी है बाय द वे, एंड ऑब्वियसली वो फिल्म का नाम बता दिया आपको, मैंने फिल्म का नाम नहीं बताया, लेकिन उसके मैंने थंबनेल में पिक्चर डाली थी, तो शायद वो भी आई थिंक यूज़ हुआ कॉपीराइट स्ट्राइक में। हाँ, और ये हटेगा कब बैन, ऑब्वियसली 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद। मैं आपको सारी उसके पिक्चर्स भेज दूँगा कि ये सब चीज़ें
हुई है मेरे साथ ऑब्वियसली, वो सब उन लोगों ने रिक्वायरमेंट्स मांगे हैं, अगर लाइव स्ट्रीम अगर वापस करनी है तो 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए वापस, मतलब वापस नहीं, मेरे पास कभी थे नहीं 1000 सब्सक्राइबर्स, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे, वो मिल जाए, वो अगर मिले तो मैं वापस से यूट्यूब पे कर सकता हूँ, वरना मैं सिर्फ वीडियोज़ अपलोड कर सकता हूँ, वीडियोज़ तक हूँ मैं अभी। अभी ये तो हो गया चलो यूट्यूब का, आई थिंक सबको पता चल गया है कॉपीराइट स्ट्राइक का और ये सब चीज़ों का क्या होता है अंजाम। सो गाइस, अगर आप लोग न्यू हो, और ऑब्वियसली मैं भी नया ही हूँ, नया ही था, अभी फिर से हो गया हूँ मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि म्यूज़िक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर किसी की क्लिप इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक्चुअली मैंने एक साल पहले मैं अब फिल्म का नाम लूँगा तो वापस अब होगा, एक साल पहले मैंने एक काम किया था, वैसे एक छोटी सी क्लिप थी, वो भी फिल्म की क्लिप थी, उस पर मैंने वो ट्रेलर और उसी पे ही उसका मैंने सिर्फ आवाज़ लिया और एक तरफ वो चलाया भी था वीडियो और दूसरी तरफ मैंने गाड़ी का वीडियो चलाया था, सेम मैंने एक क्या कहते हैं रेप्लिका बोलते हैं ना, लाइक फुल एक सेम टू सेम दिखने वाला, बस वो है कि वो एक गेम में है और ये रियल एक फिल्म में है, वो हुआ था, उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिली तो मैं थोड़ा ये था कि चलो वीडियोज़ पे नहीं, लेकिन जो भी चीज़ है अब पता चल गया है कि इवन पिक्चर्स भी जो आप यूज़ करते हैं, नाम भी यूज़ करते हैं, उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है। तो या गाइस, कुछ भी किसी भी दूसरे की प्रॉपर्टी का आप बिना परमिशन के प्लीज़ यूज़ ना करना अनटिल एंड अनलेस आपको उसकी परमिशन ना मिल जाए। तो मैंने परमिशन तो मुझे पता नहीं था उस चीज़ का, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, और ये हो गया स्ट्रीमिंग का, ठीक है, यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग बंद हो गई है। अब आप स्ट्रीमिंग कहाँ करोगे? ऑब्वियसली स्ट्रीमिंग अब करनी तो है, तो अब कहाँ करें? तो मैंने फिर इसको ट्विच पे कर दिया। मैं ट्विच पे स्ट्रीमिंग करूँगा आपसे, उसका लिंक मैं डाल दूँगा जो भी इस डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट्स में, वहाँ पर डाल दूँगा। और हाँ, फिर हम उसी से ही छोटी छोटी क्लिप्स बना बना के, वीडियोज़ बना बना के फिर यूट्यूब पर भी डालेंगे। जो भी चीज़ चाहिए ऑब्वियसली सपोर्ट, ऑब्वियसली आप लोगों से तो मिल ही रहा है। थैंक यू गाइस जिसने सब्सक्राइब किया, 130 आई थिंक सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। बुरा फील हो रहा है ऑब्वियसली, बुरा थोड़ा सा फील नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, यही कि क्योंकि इस पर काम मैंने बहुत शुरू से किया था इस साल के, और यही था कि इस पर काम करके रहना है, इसको कम से कम इस काबिल पहुँचाना है इस चैनल को कि ये पहचान में रहे सबके, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लग रहा है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, अभी आ गई इस पर प्रॉब्लम, टाइम निकलेगा उसका भी पास हो जाएगा, ये भी प्रॉब्लम से निकलेगा, मतलब प्रॉब्लम पास ऑन हो जाएगी तो ये भी वो लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगी वापस से, मसला नहीं है। जी जी, सो गाइस ख्याल रखो अपना, अभी ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, मैंने और लंबी वीडियो करता। सो गाइस एवरीवन, सौविक, उमेर, डॉक्टर और कौन कौन देखता था मुझे, उमर, शारिक गेमिंग, उसका चैनल का नाम मुझे इसी तरह याद नहीं आ रहा, शारिक है, अजहर अली चन्ना, द सिंपल गाय, गाइस आई मिस यू और एवरीवन। अपना ख्याल रखो गाइस, क्रैप सिटी भी है लेकिन काफ़ी टाइम से हो गया, वो भी चला गया, क्रैप सिटी, डॉक्टर वियरवुल्फ एंड सौविक सरकार और एवरीवन या गाइस, जो भी इसको देख रहा है, जो भी रोज़ मेरी लाइव स्ट्रीम में आता था उस यूट्यूब पे, आप लोग आ सकते हो ट्विच पे भी, मसला नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ट्विच तो मुझे और भी इजी लगता है, बट अभी मजबूरी भी है तो उसको थोड़ा सा हैंडल करते हैं, गो विद द फ्लो करते हैं, जैसे भी चीज़ होती है। एंड गाइस ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, सी या, आई मिस यू लाइव स्ट्रीम्स ऑन यूट्यूब। खोल दे भाई, यार तू देख रहा है तो भाई आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, मेरा नहीं था इंटेंशन, सच में मैं नहीं यूज़ करता किसी और के प्रॉपर्टीज़, मैं नहीं तकलीफ देता किसी को, बट स्टिल अगर तुम्हें लग रहा है कुछ बुरा लगा है, आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।